मैं तुझे उतना ही चाहता हूँ अभी भी, तुझे खोना नहीं चाहता कभी भी, पर अब जब मैं तुझे नहीं चाहिए, मेरी आवाज रह रही है दबी सी। आप लोगों को किसकी जोड़ी ज्यादा पसंद आती है, खानजादी अभिषेक की या फिर ईशा मालवीय और अभिषेक की? ये जो शायरी हमने आपको स्टार्टिंग में सुनाई है, ये हमारी तरफ से लिखी गई नहीं है, बल्कि अभिषेक ने लिखी है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा किसके लिए लिखी है, खानजादी के लिए लिखी है या ईशा मालवीय के लिए लिखी है। कुछ कह रहे हैं कि खानजादी के लिए लिखी है, और वो क्यों लिखी है उसकी भी उसका भी एक रीज़न है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईशा मालवीय के लिए लिखी है उसका भी एक रीज़न है। वो तो आप लोग डिसाइड करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। फिलहाल सारे जो पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो हम आपके सामने रख देते हैं। बिग बॉस 17 के सीज़न में हमने देखा था कि किस तरह जो ईशा मालवीय और अभिषेक आए, वो एक्स कपल्स थे, घर में आए, थोड़ी प्यारी प्यारी सी बातें होने लगी, लेकिन फिर समर्थ आ गए और अभिषेक और ईशा में जो दूरियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। बात करें जब ईशा के साथ दूरियां बढ़ गई, तो अभिषेक कुमार की खानजादी के साथ जो क्लोजनेस थी वो ज़्यादा देखने को मिली, और लोगों को वो क्लोजनेस और वो खट्टा मीठा प्यार, वो फाइट्स, वो एक दूसरे को पसंद करना, एक दूसरे के बारे में बात करना, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते रहना, सब बहुत पसंद आ रहा था। लोगों को इस हद तक पसंद आ रहा था कि उन्होंने उनका हैशटैग भी बना दिया था, और लोगों को इस हद तक पसंद आ रहे थे कि हर जगह वो हैशटैग, वो ट्रेंड चलने लग गया हैशटैग अभिजादी, और लोग चाहते थे कि वो दोनों अब साथ में ही रहे। जब बिग बॉस 17 ओवर हो गया तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इन दोनों का रीयूनियन होगा, ये दोनों साथ में आएंगे, पार्टीज रखी गई, अभिषेक ने पार्टी रखी और बिग बॉस 17 के सक्सेस पार्टी, रीयूनियन पार्टी हुई, उसमें सब आए, लेकिन खानजादी नहीं आई थी और भी दो तीन लोग नहीं आए थे। खानजादी और अभिषेक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि साथ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं दोनों को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हैं वो सही नहीं चल रही हैं अभिषेक कुमार और खानजादी के बीच में। इट सीम्स लाइक थिंग्स आरंट गोइंग वेल बिटवीन अभिषेक कुमार एंड खानजादी एनी मोर। वो इसलिए क्योंकि दोनों के इंस्टा अकाउंट चेक किए गए। फैंस जो कि अपने फेवरेट स्टार्स पर ऐसे नज़र बनाए रखते हैं, उन्होंने खानजादी और अभिषेक पर भी नज़र बनाई हुई है, और अभिषेक ने एक शायरी लिखी, वो शायरी जो हमने आपको सुनाई, वो शायरी आपको एक बार फिर सुना देते हैं। उन्होंने लिखा, मैं तुझे उतना ही चाहता हूँ आज भी, तुझे खोना नहीं चाहता कभी भी, पर अब जब मैं तुझे नहीं चाहिए, मेरी आवाज़ रह रही है दबी सी। अभिषेक ने शायरी लिखी तो कहा गया कि अब खानजादी और उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, इसलिए उन्होंने लिखी क्योंकि अभिषेक कहीं ना कहीं अभी भी चाहते हैं कि वो खानजादी के साथ रहें, एक पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ईशा मालवीय की बात हो रही है, क्योंकि ईशा मालवीय ऐसा एक कंटेस्टेंट थी अभिषेक कुमार के लिए कि वो कितनी भी लड़ाई हो ले, लेकिन कभी भी अभिषेक ने ईशा को नॉमिनेट नहीं किया था, और देखा गया था कि अभिषेक के दिल में ईशा के लिए अलग सा ही एक सॉफ्ट कॉर्नर था। ये बात नहीं क्लियर हो पाई कि किसके बारे में बात हो रही है, कि खानजादी के बारे में बात हो रही है, ईशा मालवीय के बारे में बात हो रही है। कुछ खबरें चल रही हैं कि ईशा मालवीय से भी कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि ईशा और अभिषेक का जो बॉन्ड था वो देखने को मिला था, शुरुआत में अच्छा था लेकिन समर्थ आ गए तो बिगड़ गया। उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी बातें देखने को मिली कि अभिषेक की तरफ से थोड़ा सा लग रहा था कि अभी भी ही स्टिल्स लाइक ईशा मालवीय, और ईशा ने तो अभी जो अभिषेक और मनारा का सॉन्ग आया सावरे, उसको अपनी इंस्टा रील में भी यूज़ किया है, जो कि एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा कि ईशा ने अभिषेक के गाने को यूज़ किया है, और खबरें आ गई कि ये ईशा के लिए अभिषेक ने ये शायरी लिखी है। और अभिषेक की जो पर्सनल लाइफ है वो अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है, बिग टॉपिक बन गई है। जब वो बिग बॉस 17 के हाउस में आए थे तब भी बनी थी, और अब जब बाहर है तब भी बन गई। फिलहाल आपको क्या लगता है कि किसके लिए लिखी गई है, और आपको कौन सी जोड़ी अच्छी लगती है, अभिषेक ईशा की या अभिषेक खानजादी की, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तमाम इस जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।